हरियाणा के फतेहाबाद में जमकर महामारी अलर्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जगजीवनपुरा में गली नंबर 5 में सरेआम प्ले स्कूल खोला गया है। बिना किसी अनुमति के प्ले स्कूल चलाया जा रहा है। आरोप में प्ले स्कूल मालकिन का कहना है कि मैं सरकार के आदेशों की पालना कर रही हूँ, सरकार के आदेश माने जा रही है तो स्कूल बंद है। जाहिर है प्ले स्कूल बंद है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे देखे, इनके अभिभावक भी वाकई कमाल करते हैं कि इतने छोटे बच्चों को, जबकि कोरोना महामारी फैली है, कोरोना संक्रमण फैला के प्ले स्कूल में भेज दिया है। संवाददाता जसपाल सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जसपाल, तमाम शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं कोरोना के चलते, लेकिन इतने छोटे बच्चे, इतने नन्हे बच्चे भी प्ले स्कूल में जा रखे हैं। ना अभिभावकों को चिंता है और ना जो प्ले स्कूल संचालिका है उन्हें सरकार के आदेशों का डर है। जी बिल्कुल ज्योति, मैं बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद के जगजीवनपुरा जो इलाका है वहां पर ये प्ले वे स्कूल है और वो यहाँ पर ओपन था और इसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं वो यहाँ जो है लाए जा रहे थे और एक गाड़ी है उसके अंदर कम से कम 20 से 25 जो बच्चे हैं वो लेकर यहाँ पर आए थे। तो जब मीडिया का जो कैमरा देखा तो उसके बाद उन्होंने हड़कंप मच गया और ऐसे में अगर जिस तरह से लगातार यानी कि कोरोना महामारी अलर्ट को लेकर सारे स्कूल हैं वो बंद कर रखे हैं और उसके बावजूद भी ऐसे छोटे बच्चों को स्कूल के अंदर है वो बुलाया जा रहा है, कोरोना महामारी को जो है बुलावा दिया जा रहा है, तो ऐसे में इन पर जो है सख्त से कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। तो ऐसे में ऐसे स्कूल जो खुलते रहेंगे तो कोरोना जो है और ज्यादा जो है वो बढ़ता रहेगा। जसपाल, अभी तस्वीरें सामने आने के बाद, अभी मामला सामने आने के बाद क्या विभाग कोई कार्रवाई लेगा, करेगा, कोई एक्शन लेगा? देखिए इसमें जो है कार्रवाई जो कोरोना महामारी अलर्ट को लेकर जो है एक गाइडलाइंस जो बनाई गई है कि इसके अंदर जो बच्चे हैं वो नहीं बैठा सकते, आप इकट्ठे बच्चे नहीं बैठा सकते, तो ऐसे में शिक्षा विभाग है इस पर जो है कार्रवाई जरूर करेगा क्योंकि कोरोना महामारी का अलर्ट का जो एक गाइडलाइंस अलग से जारी कर रखी है कि इस तरह से बच्चे जो है नहीं इकट्ठे कर सकते और कोरोना महामारी को नहीं फैलाया जा सकता और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना होता है, तो ऐसे में शिक्षा विभाग है वो इस पर कार्रवाई जो है वो जरूर करेगा। लेकिन अभी जब मीडिया वहां पहुंचने के बाद अब स्कूल है वो बच्चे घर भेज दिए हैं और उसके बाद अब स्कूल को है वो बंद कर दिया। बहुत शुक्रिया जसपाल सिंह, ये पूरी जानकारी आपने दी। बहुत जरूरी है कि अभिभावक भी थोड़े जागरूक बने, कम से कम अपने बच्चों के, बहुत छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर। तो फतेहाबाद से मामला सामने आया।